ये क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का त्रिमासिक परीक्षा 2021-22 का एक क्वेश्चन पेपर है एमपी बोर्ड का। आज हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एपी यानी समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 का सार्वान्तर है, इसका हो जाएगा ए नंबर -2। सेकेंड बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक होंगे, इसका हो जाएगा इसमें अ नंबर +-√3। तीसरा है त्रिभुज डी एफ और ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी तथा ए बी इक्वल टू डी 3D दो त्रिभुज है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर होगा ब नंबर सर्व समरूप परंतु सर्वांगसम नहीं है। फोर्थ नंबर है समीकरण एक्स स्क्वायर +X-2 इक्वल टू 0, इसका हो जाएगा एक का एक वास्तविक मूल है। फिफ्थ नंबर है यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c3 तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 का अनंत अनेक हल होंगे, स नंबर होगा इसका। 4 और 7 का मध्यम सर्वार्थक इसमें हो जाएगा 1 अ नंबर। रिक्त स्थान की पूर्ति करने इसमें है पहला है बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यकों का योग हो जाएगा -4। दूसरा है किन्हीं दो घनत्व पूर्णांक और बी के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होगा, इसमें ए बी आ जाएगा ए इंटू बी। तीसरा एक द्विघात समीकरण बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं। चौथा समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 दसवां का दसवां पद होगा, इसमें होगा 20। फिर अभाज्य बराबर भाजक गुणित भाग फलधन यह हो जाएगा शेष पर। सभी वृत्त समरूप होते हैं, 7 है। एक द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 का व्युत्क्रम ऋणात्मक है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। तीसरा है इसमें सही जोड़ी बनाना है ax + b इसका हो जाएगा रैखिक बहुपद यानी इसका हो जाएगा डी नंबर। फिर है श्रेणी 3, 5, 7, 9 में सर्वांतर होगा, इसका हो जाएगा एफ नंबर होगा यानी इसका 2 होगा। तीसरा है 2x + 3y = 5 के हलों की संख्या, इसमें हो जाएगा अनंत यानी इसका बी नंबर होगा। एक्स की भी त्रिघात बहुपद है तो इसका हो जाएगा ए नंबर। फिर फिफ्थ है x² + bx + c = 0 का व्युत्क्रम कर तो इसमें हो जाएगा सी नंबर होगा b² - 4ac। सिक्स है श्रेणी a + d a + 2d a + 3d का n पदों का ई नंबर होगा a + n - 1 × d। फोर्थ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखना है। पहला समरूप आकृतियों का एक उदाहरण दो, इसमें हो जाएगा दो त्रिभुज ले सकते हैं, यदि इसको त्रिभुज ABC माने और दूसरा त्रिभुज माने DEF एक सर्व एक समरूप आकृति होगी। सेकंड है यदि रैखिक समीकरण योग a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 के कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध लिखिए, इसका प्रतिबंध इसमें हो जाएगा इसमें जो दिया भाई सेकंड नंबर हो जाएगा a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इससे कंडीशन होगी इसे कोई भी हल न होने की कंडीशन होगी c1/c2। इसको कैसे लिख सकते हैं a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। नेक्स्ट इसमें तीसरा नंबर है दो आकृति जिनकी आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो क्या कहलाती हैं, तो इसका हो जाएगा समरूप आकृतियाँ। फोर्थ द्विघात समीकरण x² + x + 1 = 0 के व्युत्क्रम का मान होगा, तो व्युत्क्रम मान कैसे निकालते हैं, इसे दिया हुआ इसमें x² + x + 1 = 0 इसमें हो जाएगा a = 1 हो जाएगा, इसका गुणांक x² का x गुणांक क्या हो जाएगा यानी बी उसको मानेंगे 1 हो जाएगा, सी अचर पद 1 है तो इसका जो व्युत्क्रम होता है d = b² - 4ac, तो ये b² - 1² - 4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1 थी हो जाएगा 1 - 4 यानी -3। तो -3 इसका व्युत्क्रम का मान होगा
अब इसमें फोर्थ द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा, इसका हो जाएगा द्विघात समीकरण का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। सिक्स समीकरण वाई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फाइव, थ्री एक्स प्लस फाइव में यदि वाई इक्वल टू तो एक्स का मान होगा इसमें हो जाएगा माइनस वन। फिर ए पी सिक्स फोर सिक्स फोर्टी के पदों की संख्या हो जाए संख्या बताई तो इसका हो जाएगा उन्नीस। फिर फिफ्थ नंबर इसमें है एक प्राकृत संख्या का भाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होगा तो इसका सत्य होगा। सेकंड घात है कि बहुपद का द्विघात कहते हैं यह सत्य होगा। तीसरा सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती परंतु इसका विलोम सत्य नहीं थी भी सत्य कथन है। फोर्थ एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस जीरो तो इसका हो जाएगा असत्य हो जाएगा। इसमें फिफ्थ नंबर ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इज बी वन अपॉन बी टू, इस स्थिति में रैखिक समीकरण के युग्म ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज जीरो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज जीरो संगत होता तो ये सत्य कथन रहेगा। सिक्स है बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों के गुणनफल सी है पानी थी भी सत्य कथन है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने कक्षा दसवीं की त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 का हम लोगों ने मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन पेपर मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व किया। यदि आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ये इसके ऊपर बाकी इस क्वेश्चन इसमें लिखने वाले क्वेश्चन बाकी हैं इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।